नमस्कार, गोरखपुर न्यूज में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं पूजा वर्मा। आगे बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। दो दिवसीय दौरे पर अपने गृह जनपद गोरखपुर पहुंचे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। बड़हलगंज लाल डिग्गी पर बाढ़ पीड़ितों में राहत सामग्री का किया वितरण। गोरखनाथ मंदिर में करेंगे रात्रि विश्राम। शुक्रवार को कैंपियरगंज में बाढ़ पीड़ितों में राहत सामग्री वितरण करने के बाद वाराणसी के लिए करेंगे प्रस्थान। सीएम योगी ने हवाई सर्वेक्षण कर जिले में बाढ़ की स्थिति का लिया जायजा। बड़हलगंज और लाल डिग्गी में बाढ़ पीड़ितों से मिले सीएम योगी, राहत सामग्री का किया वितरण। कहा, अप्रत्याशित बाढ़ आपदा का युद्ध स्तर पर सामना कर रही है सरकार। आपदा की घड़ी में हर पीड़ित के साथ खड़ी है सरकार। नशे की कारोबार करने वाले किशन कुमारी उर्फ पंडितायन की लगभग 13.5 करोड़ के अवैध कारोबार से बनाई हुई संपत्ति को जिलाधिकारी के निर्देश पर तहसीलदार सदर व शाहपुर थाने की पुलिस ने किया कुर्क। एसपी सिटी ने कहा, पंडितायन के ऊपर गैंगस्टर सहित कुल 15 मुकदमे थे दर्ज, की जा रही है आगे की विधिक कार्यवाही। विशेष जेल लोक अदालत का जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वावधान में जनपद न्यायाधीश तेज प्रताप तिवारी के निर्देश पर किया जा रहा है आयोजन। 2 मामलों का किया गया निस्तारण। 14 व 15 को भी लगेगा जेल लोक अदालत। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव देवेंद्र कुमार द्वितीय ने दी जानकारी। महिला जिला अस्पताल के अल्ट्रासाउंड सेंटर पर आए दिन हो रहे विवाद और पैसा लेकर अल्ट्रासाउंड करने के आरोपों का गोरखपुर न्यूज की टीम ने किया रियलिटी चेक। सुबह 8:10 पर अल्ट्रासाउंड कक्ष के नंबर 22 और 23 पर लटका हुआ मिला ताला। यहां तक कि पर्ची काउंटर पर भी नहीं मिला कोई कर्मचारी। मरीज और मरीजों के तीमारदारों ने पैसा लेकर अल्ट्रासाउंड करने का लगाया आरोप। जिला महिला अस्पताल के SIC ने आरोपों से किया इनकार। कहा, 4 मशीनों पर केवल 2 डॉक्टर ही होने से हो रही है थोड़ी दिक्कत। पैसा लेकर अल्ट्रासाउंड करने के आरोपों की कराएंगे जांच। बारिश और बाढ़ के बीच जनपद में डेंगू का बढ़ता ही जा रहा है खतरा। जिले में डेंगू के मरीजों की संख्या हुई 43। जिला अस्पताल के डेंगू वार्ड में 25 बेड की है व्यवस्था, मात्र 3 मरीज हैं भर्ती। CMO डॉक्टर आशुतोष कुमार दुबे ने नागरिकों से की अपील। कहा, तेज बुखार होने पर तत्काल अपने नजदीकी सरकारी अस्पताल में करें संपर्क। सभी प्रकार की दवाइयां व जांच निःशुल्क है उपलब्ध। चौबीस घंटे के अंदर मोबाइल लूट करने वाले अभियुक्त गौतम कुमार को कैंट थाने की पुलिस ने किया गिरफ्तार। लूट का मोबाइल किया बरामद, भेजा जेल। को दीवानी न्यायालय परिसर में राष्ट्रीय लोक अदालत का किया जाएगा आयोजन। बैंक वसूली, विद्युत वाद, ई चालान सहित अन्य मामलों का आपसी सुलह समझौते के आधार पर किया जाएगा निस्तारण। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव देवेंद्र कुमार द्वितीय ने दी जानकारी। जनपद में बाढ़ की स्थिति को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से है अलर्ट। बनाई गई हैं 86 बाढ़ चौकियां। बाढ़ ग्रस्त क्षेत्र के लोगों के लिए 16 मोबाइल टीमों का किया गया है गठन। CMO ने कहा, किसी भी रोग या संक्रामकता की स्थिति में डायल 108 या 102 पर करें संपर्क। सेवा के लिए हमेशा तत्पर है स्वास्थ्य विभाग। चोरी करने वाले गिरोह के एक सदस्य अजय राजभर को शाहपुर थाने की पुलिस ने किया गिरफ्तार। 50 ग्राम नशीला पाउडर किया बरामद, खींचा जेल। और जनपद में राप्ती नदी के जलस्तर में आई है गिरावट, जबकि सरयू नदी के जलस्तर में हुई है बढ़ोतरी। जिला आपदा विशेषज्ञ गौतम गुप्ता ने दी जानकारी। अब खबरें विस्तार से। दो दिवसीय दौरे पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखपुर पहुंचे। आपको बता दें कि 2 बजे बड़हलगंज पहुंचे, जहां पर उन्होंने बाढ़ पीड़ितों में राशन का वितरण किया और अधिकारियों के साथ बैठक कर बाढ़ की जानकारी ली। उसके बाद मुख्यमंत्री शाम को सदर तहसील के लाल डिग्गी पार्क पहुंचे, वहां पर उन्होंने बाढ़ पीड़ितों में राहत सामग्री का वितरण किया। उसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखनाथ मंदिर पहुंचे, वहां पर उन्होंने गुरु गोरक्षनाथ का पूजा अर्चना किया। उसके बाद मुख्यमंत्री
मंदिर में ही स्थित अपने गुरु ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ की समाधि स्थल पर पहुंचकर मत्था टेक कर आशीर्वाद लिया। रात्रि विश्राम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गोरखनाथ मंदिर में करेंगे। शुक्रवार की सुबह जनता दरबार में नागरिकों की समस्याओं को सुनेंगे। तत्पश्चात कैंपियरगंज पहुंचकर बाढ़ पीड़ितों को राशन का वितरण करेंगे। उसके बाद वाराणसी के लिए प्रस्थान करेंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अक्टूबर में इस तरह की अप्रत्याशित बाढ़ ना कभी देखी गई थी ना सुनी गई थी। पहली बार प्रदेश के कई जनपदों में इस तरह की स्थिति देखने को मिली है और सरकार इस आपदा का युद्ध स्तर पर मजबूती से सामना कर रही है। संकट की इस घड़ी में केंद्र व राज्य सरकार हर पीड़ित के साथ खड़ी है। पीड़ितों तक राहत सामग्री व अन्य आवश्यक सहायता उपलब्ध कराने के लिए सभी जिलों में प्रशासन को पर्याप्त सामग्री व राशि उपलब्ध करा दी गई है। बाढ़ से हुए हर प्रकार के नुकसान की भरपाई सुनिश्चित कराई जा रही है। मुख्यमंत्री गुरुवार को गोरखपुर जनपद के बाढ़ प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वेक्षण करने के बाद गोला तहसील के बड़हलगंज फोरलेन बाईपास तथा शहर के बाल विहार विद्यालय लाल डिग्गी बसंतपुर में बाढ़ पीड़ितों के बीच राहत सामग्री वितरित कर रहे थे। दोनों ही स्थानों पर उन्होंने बाढ़ पीड़ितों से मुलाकात की, उनका दुख साझा किया, साथ ही आश्वस्त किया कि आपदा की इस घड़ी में सरकार हर पीड़ित के साथ पूरी संवेदनशीलता से खड़ी है। प्रत्येक पीड़ित तक हर संभव सहायता उपलब्ध कराई जा रही है। सीएम योगी ने कहा कि अक्टूबर में आए इस अप्रत्याशित बाढ़ का जायजा लेने और प्रभावित लोगों तक राहत सामग्री व अन्य सहायता उपलब्धता सुनिश्चित कराने के लिए वह बाढ़ क्षेत्रों के दौरे पर निकले हैं। अयोध्या, अम्बेडकर नगर, बलरामपुर, बहराइच, श्रावस्ती, सिद्धार्थनगर, बस्ती, संत कबीर नगर का हवाई सर्वेक्षण करने व मौके पर जाकर लोगों से मिलते हुए आज गोरखपुर आए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रशासन को स्पष्ट निर्देशित किया गया है कि हर पीड़ित के घर तक राहत सामग्री समय रहते पहुंच जाना चाहिए। उनको सुरक्षित स्थान पर लाने के साथ ही भोजन, शुद्ध पेयजल और दवाओं का पर्याप्त इंतजाम होना चाहिए। पशुओं के चारे की व्यवस्था करने का भी निर्देश प्रशासन को दिया गया है। सीएम योगी ने कहा कि बाढ़ पीड़ितों के लिए पर्याप्त मात्रा में खाद्यान्न व अन्य सामग्री का वितरण कराया जा रहा है। दो तरह की किट में दी जा रही है राहत सामग्री। किट में 10 किलो चावल, 10 किलो आटा, 2 किलो अरहर दाल, आधा किलो नमक, 250 ग्राम हल्दी, 250 ग्राम मिर्च, 250 ग्राम सब्जी मसाला, 1 लीटर रिफाइंड तेल, 5 किलो लाई, 2 किलो भुना चना, 1 किलो गुड़, 10 पैकेट बिस्किट, 1 पैकेट माचिस, 1 पैकेट मोमबत्ती, 2 नहाने का साबुन शामिल है। इसके अलावा 10 किलो आलू, 5 लीटर केरोसिन, 5 लीटर क्षमता के 2 जरी केन, 15x10 फीट की एक तारपोलीन सीट भी दी जा रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि बाढ़ से जनहानि पर पीड़ित परिवार को 4 लाख रुपए का मुआवजा तत्काल उपलब्ध कराया जाए। अंग भंग होने पर 2,50,000 रुपए तक की सहायता के साथ ही गंभीर रूप से घायलों को भी आर्थिक मदद दी जाएगी। बाढ़ से जिनके मकान क्षतिग्रस्त हो गए हैं उन्हें मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत आवास देने या मकान बनवाने के लिए तत्काल 1,20,000 रुपए देने के निर्देश दिए गए हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि बाढ़ के चलते पशुओं की हानि का भी सर्वे कराया जा रहा है, साथ ही जिन किसानों की फसलें बाढ़ से क्षतिग्रस्त हुई हैं, सर्वे कराकर उन्हें हम 18,000 रुपए प्रति हेक्टेयर की दर से क्षतिपूर्ति देंगे। 12 मासी फसलों पर 22,500 रुपए प्रति हेक्टेयर की दर से सहायता राशि दी जाएगी। इसी तरह दुधारू पशु गाय, भैंस आदि के मरने पर 37,500, बकरी, भेड़, सुअर के मरने पर 4,000, गैर दुधारू पशु ऊंट, घोड़ा आदि के मरने पर 32,000, बछड़ा, गधा, टट्टू आदि के मरने पर 20,000 रुपए की दर से पशुपालकों को सहायता राशि दी जाएगी। मुर्गी पालकों को हुई क्षति पर प्रति मुर्गी 100 रुपए प्रति की दर से सहायता प्रदान की जाएगी। सीएम योगी ने प्रशासन के अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि अगले 2 से 3 दिन में बाढ़ का पानी उतरने के साथ ही लोगों को बीमारियों से बचाने के लिए स्वच्छता, सैनिटाइजेशन और छिड़काव का अभियान युद्ध स्तर पर शुरू किया जाए।
दिवाली से पूर्व बाढ़ से क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत कराते हुए शुद्ध पेयजल, विद्युत आपूर्ति बहाली समेत हर व्यवस्था पुख्ता कर दी जाए। लालडिग्गी में बाढ़ पीड़ितों के बीच राहत सामग्री वितरण के दौरान महापौर सीताराम जायसवाल, भाजपा के क्षेत्रीय अध्यक्ष एवं MLC डॉ. धर्मेंद्र सिंह, महानगर अध्यक्ष राजेश गुप्ता आदि मौजूद रहे। बाढ़ पीड़ितों से मुलाकात के दौरान CM योगी ने उनके बच्चों को खूब दुलारा, उन्हें प्यार और आशीर्वाद देते हुए चॉकलेट गिफ्ट किया। इस दौरान उन्होंने कुछ बच्चों से टिटोली भी की। एक बच्चे से पूछा कि स्कूल जाते हो या नहीं, घर में झगड़ा तो नहीं करते, गाली तो नहीं देते। बच्चे के इनकार में सिर हिलाने पर मुख्यमंत्री भी खिलखिला पड़े। राहत सामग्री वितरण के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने महिलाओं से आत्मीय अंदाज में उनका हाल जाना। बुजुर्ग महिलाओं से पूछा कि माई, राहत सामग्री का यह किट लेती जाओगी या दिक्कत होगी। पास में मौजूद अधिकारियों को CM ने निर्देशित किया कि जो लोग राहत सामग्री किट ले जाने में असमर्थ हो, उनके घर तक सामग्री पहुंचाने की व्यवस्था की जाए। बड़हलगंज में बाढ़ पीड़ितों के बीच मौजूद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सांसद कमलेश पासवान और विधायक राजेश त्रिपाठी की तरफ से सरयू नदी पर बैरिया सरिया तटबंध बनाने के दिए गए प्रस्ताव को स्वीकृत करने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि सरयू व राप्ती के संगम क्षेत्र को बाढ़ विभीषिका से बचाने के लिए सरकार कार्य योजना बनाएगी। इसके लिए वह खुद पूर्व में ही भी हवाई सर्वेक्षण कर चुके हैं। आसन्न बरसात के बाद एक बार फिर सर्वे कराकर आगामी वर्षों के बाढ़ त्रासदी से बचाव की मुकम्मल रूपरेखा तैयार की जाएगी। बड़हलगंज में मुख्यमंत्री के साथ सांसद कमलेश पासवान, विधायक राजेश त्रिपाठी, भाजपा जिलाध्यक्ष युधिष्ठिर सिंह आदि भी मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए बाढ़ पीड़ित महिलाओं और महापौर सीताराम जायसवाल ने कहा,
आने के लिए बाढ़ राहत पीड़ितों के बीच में सर्वपल्ली देवी जी, वाइफ ऑफ राम नरेश जी, चक्रा अव्वल के बाढ़ प्रभावित लाभार्थियों को राशन के बारे में मुख्यमंत्री महोदय अपने कमलों से प्रदान कर आश्वस्त प्रदान कर रहे हैं कि संरक्षण बना है। श्रीमती इंदु देवी जी, वाइफ ऑफ श्री ओम हरी जी, राजमती जी, वाइफ ऑफ श्री बुल्लू जी, माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों से बाढ़ राहत खाद्यान्न सामग्री को प्राप्त करते हुए, चक्रा दोलन से किस्मती जी, वाइफ ऑफ लालधर जी, रामप्रीत जी, सन ऑफ श्री राजा राम जी, पलकधारी जी, सन ऑफ श्री कुंजू जी, झरवा क्षेत्र से राधिका देवी जी, वाइफ ऑफ बांकेलाल जी, इसरावती जी, वाइफ ऑफ आप कैसे लेके जाएंगे, आपका तो हाथ ऐसा रखा है, कोई साथ में है? मनो जी, वाइफ ऑफ लालू जी एवं आमना खातून जी। उन्हें अपना संरक्षण एवं मदद प्रदान करते हुए कि इस बाढ़ विभीषिका में जूझते हुए पर अपना संरक्षण सतत रूप से लंबे लंबे बच्चों के बीच में माननीय मुख्यमंत्री महोदय अपने कर कमलों से उन्हें ट्रॉफी प्रदान करेंगे। उत्तर प्रदेश के विशिष्ट माननीय मुख्यमंत्री महोदय की आकांक्षा है कि बाढ़ की विभीषिका में हर नागरिक तक उसकी दिनचर्या के व्यस्त में यह नन्हे मुन्ने बच्चे अपने अभिभावक माता पिता का संरक्षण प्राप्त हो सके। माननीय मुख्यमंत्री महोदय उन्हें आश्वासन एवं संपर्क प्रदान करते हुए कि यह बाढ़ का विभीषिका कुछ सभी एक बार पुनः सुखद रूप से आगे की ओर बढ़ चलेंगे। नन्हे मुन्ने बच्चों से वार्ता करते हुए ट्रॉफी प्रदान करते हुए अपने कर कमलों से हर व्यक्ति तक उससे वार्तालाप कर उनका कुशल क्षेम जानते हुए इस धरातल वर्षों से ईश्वरीय देन है जिस पर किसी का भी बस नहीं। माननीय मुख्यमंत्री सभी बाढ़ पीड़ितों से उनका हालचाल प्राप्त कर कुशल क्षेम जान कर भी उन्हें सम बल प्रदान कर इन लोगों के बीच राहत सामग्री वितरण के आज के इस कार्यक्रम में भारतीय जनता पार्टी के क्षेत्रीय अध्यक्ष, विधान परिषद के सदस्य डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह जी, हमारे युवा और जुजारू महापौर श्री सीताराम जायसवाल जी, महानगर अध्यक्ष श्री राजेश गुप्ता जी, पार्षद श्री राम भुवन कुशवाहा जी, रणंजय सिंह डुंगू जी, महानगर के महामंत्री जयचुटानंद शाही जी, प्रशासन और पुलिस के सभी अधिकारीगण और उपस्थित सभी
पीड़ित भाइयों बहनों, अक्टूबर महीने में बाढ़ आपने कभी नहीं सुनी होगी, देखी होगी, लेकिन पहली बार इस आपदा का सामना प्रदेश में कई जनपदों में लोगों को करना पड़ रहा है। आपदा का सामना करते हुए राहत कार्य युद्ध स्तर पर करने के लिए सभी जिला प्रशासन को पर्याप्त धनराशि और सामग्री उपलब्ध कराई गई है। इन सभी कार्यों की समीक्षा करने के लिए मैं स्वयं वन जनपद के दौरे पर निकला हूं। अयोध्या, अंबेडकर नगर, गोंडा, बलरामपुर, श्रावस्ती, बहराइच, सिद्धार्थ नगर, बस्ती, संत कबीर नगर और आज गोरखपुर में भी मैं आया। बाढ़ में फसलों को भी काफी नुकसान हुआ है, पहले सूखे के कारण और अब अतिवृष्टि के कारण। हर पीड़ित परिवार के साथ सरकार है, केंद्र और राज्य दोनों सरकारें हैं और यही आश्वासन देने के लिए मैं आया हूं। हमने प्रशासन को पहले स्पष्ट कह दिया है कि हर बाढ़ जहां पे घरों के अंदर पानी घुस गया है, कोई व्यवस्था नहीं है, वहां उन्हें सुरक्षित स्थानों पे ले जाकर के भोजन की पुख्ता व्यवस्था की जाए, पेयजल की व्यवस्था, दवा की व्यवस्था, हर प्रकार की सुविधा लोगों को उपलब्ध करवाई जाए। जहां पर लोग अपने घरों में रह सकते हैं, नौकाओं की व्यवस्था, स्टीमर की व्यवस्था, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, पीएसी की फ्लड यूनिट, इन सब की व्यवस्था लगाने के साथ ही पर्याप्त मात्रा में नौकाओं की व्यवस्था भी की जाए। राशन किट के लिए भी हर पीड़ित परिवार को तत्काल 10 किलो चावल, 10 किलो आटा, 10 किलो आलू, 5 किलो लाई, 2 किलो सूखा चना, गुनावा चना, 2 किलो अरहर की दाल, रिफाइंड तेल, नमक, मिर्च, मसाले, जीएस लाई, मोमबत्ती और अन्य सभी प्रकार की सामग्री उस परिवार को जो भी उसके घर गृहस्थी के संचालन के लिए आवश्यक हो से तत्काल कराएं, उपलब्ध करवाएं। बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में पशुओं के लिए भी चारा उपलब्ध करवाने की व्यवस्था, सांप, बिच्छू या किसी भी जहरीले जानवर के काटने के लिए जो भी आवश्यक दवा या इंजेक्शन है वह भी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध करवाने के निर्देश दिए गए हैं। इसके साथ ही यह भी व्यवस्था की गई है कि अगर किसी का घर क्षतिग्रस्त हो गया है, पूरी तरह समाप्त हो गया है, तो ग्रामीण क्षेत्र में उसे मुख्यमंत्री आवास योजना में 1,20,000 रुपए की सहायता तत्काल उपलब्ध करवाने की व्यवस्था हो या उसे आवास उपलब्ध करवाया जाए। किसी की दुर्भाग्य से मौत हो जाए आपदा के कारण, 4,00,000 की सहायता उस पीड़ित परिवार को उपलब्ध करवाया जाए। अंग भंग होने पर 75,000 से 2,50,000 रुपए तक की सहायता उस परिवार को उपलब्ध करवाने की व्यवस्था। उपचार के लिए पशु हानि में भी व्यवस्था की गई है और फसलों की हानि का भी आकलन करने के निर्देश दिए गए हैं, जिससे अविलंब हर किसान को पर्याप्त मात्रा में हम मुआवजा भी उपलब्ध करवा सके। आपदा के समय में पूरी सरकार आप सबके साथ में है, हमारे जनप्रतिनिधिगण लगे हैं, प्रशासन पूरी मुस्तैदी के साथ लगा है, हमें आपदा का मजबूती के साथ सामना करते हुए, बचाव करते हुए इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाना है। कुछ ही दिनों में दीपावली भी आएगी, अभी से बाढ़ का पानी अगले 3-4 दिन के अंदर नीचे आ जाएगा। उन स्थितियों में वहां पर स्वच्छता, सैनिटाइजेशन की कार्रवाई, छिड़काव आदि की कार्रवाई तेज हो,
शुद्ध पेयजल की आपूर्ति हो, सड़कों के निर्माण की कार्रवाई, विद्युत बहाली आदि सब कुछ करते हुए दीपावली के आयोजन को भी भव्यता के साथ आगे बढ़ाने की कार्रवाई के साथ हमें जुड़ना चाहिए। आप सबको इस अवसर पर बाढ़ के कारण पीड़ा हो रही है, कष्ट हो रहा होगा, सरकार आपके साथ पूरी मजबूती के साथ खड़ी है और हर संभव सहायता करेगी। इस विश्वास के साथ आप सबके स्वस्थ और दीर्घ जीवन की कामना करते हुए मैं अपनी वाणी को यहीं पे विराम देता हूं। आप सबके प्रति अपनी शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद। अन्य लोगों के लिए वितरण का काम, आप लोग अपने परिवार के जिनको बुलाना चाहते हैं जो इसको लेकर के जाएंगे। मन्नू का नाम से बाहर, मन्नू का नाम से अपन नाम बताओ। बहरामपुर। हाँ बाबू, बड़ी पानी बा, चारों ओर से पानी बा, बीच में गांव बा, घर बा, नदी पर नाई पर चढ़ल जाता था, बरना पे आवल जाता है। हम वे सब भाषण तो कहना है, वे सुव्यवस्था के लिए तो कुछ सब मंत्री जी राहत बांटे हैं, राहत सामग्री कहेंगे मुख्यमंत्री जी के लिए। अरे बहुत कुछ कहल जाए। आमना खातून बैर भगवा में बहरामपुर। मुख्यमंत्री जी राहत सामग्री बांटे क्या कहेंगे? मुख्यमंत्री जी तो राहत सामग्री बांटा गया, क्या कहेंगे? बहुत अच्छा कहेंगे, मतलब मिल गया, कुछ तो सुविधा हो गई, कुछ जी कुछ तो अपने हाथ से दिए, बहुत अच्छा लगा है, मतलब आराम से ले लिए, अब कुछ दिन की आराम हो गया है जरूर। क्या कहेंगे, सरकार काम कर रही है? हाँ और क्या कहेंगे, काम कर रही है। हमारे मुख्यमंत्री जी गरीबों के प्रति बेहद संवेदनशील रहते हैं और पूरे जिले में जितनी भी जगह है, यूपी के पूरे जिले में जितनी भी जगह बाढ़ के विभीष का है, वहाँ मंत्री जी मुख्यमंत्री जी स्वयं जा रहे हैं, निरीक्षण कर रहे हैं और जो लोग पीड़ित हैं उनको हर तरह की सुविधाएं दे रहे हैं, इलाज की सुविधा, खाद्यान्न की सुविधा, सारी चीज़ें उनको दी जा रही है कि उनको किसी तरह की पीड़ा नहीं है। जिसका घर गिर गया है, क्षतिग्रस्त हो गया है या जिसके पास नहीं है, उसके लिए भी मुख्यमंत्री जी ने अभी बोला है कि उसकी भी व्यवस्था की गई है और आप देखेंगे कि यहाँ पर भारी संख्या पर लोग आए हैं, काफ़ी संतुष्ट हैं और अपना अपना खाद्यान्न, एक महीने का राशन, तेल, चना, नमक और सारी चीज़ें जो घर की आवश्यकता है लेकर के जा रहे हैं। मैं मुख्यमंत्री जी को अपने शहरवासियों की तरफ से बहुत बहुत बधाई देता हूँ। जिलाधिकारी के निर्देश पर तहसीलदार व शाहपुर थाने की पुलिस ने नशे के कारोबार करने वाले किशुन कुमारी की 13,52,00,000 रुपए की संपत्ति को कुर्क किया है, जिसके संबंध में एसपी सिटी कृष्ण कुमार विश्नोई ने बताया कि किशुन कुमारी उर्फ पंडितायन की अपराध की दुनिया से अर्जित की हुई तथा अपने बेटी व दामाद के नाम से बनाई गई 13,52,50,000 की संपत्ति को तहसीलदार सदर विकास कुमार की देखरेख में कुर्क कर दिया गया है। उसने नशे का कारोबार अमृतानी से शुरुआत किया था, जब उसके पास अच्छा पैसा आ गया तो उसने शाहपुर के असुरन पर नीलकंठ स्वीट्स के नाम से 3 मंजिला कॉम्प्लेक्स, मीर कॉलोनी में 3 मंजिला मकान व अपने दामाद के नाम से गुलेरिया के हरसेवकपुर में एक मकान बनवाया था जो कि उसके लड़की व उसके दामाद के नाम से है, जिसके खिलाफ 2 गैंगस्टर एनडीपीएस सहित कुल 15 मुकदमे दर्ज हैं। उन्होंने बताया कि अभियुक्ता किशुन कुमारी उर्फ पंडितायन, पत्नी हरिनाथ पांडे निवासी खरैया पोखरा बशारतपुर थाना शाहपुर जनपद गोरखपुर की रहने वाली है। उसने ही गोरखपुर में पहली बार नशे का सामान लाया था, जिसको देखते हुए जिलाधिकारी के निर्देश पर उसके तीनों संपत्ति को कुर्क कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि इस कार्रवाई के माध्यम से नशे का कारोबार करने वाले लोगों को संदेश दिया गया है कि जो कोई भी अपराध से या नशे के कारोबार करके संपत्ति को अर्जित करेगा उसकी संपत्ति को गैंगस्टर एक्ट के तहत कुर्क किया जाएगा। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसपी सिटी कृष्ण कुमार विश्नोई ने कहा, पाँच मिनट का काम है।
भी आ जाए, सब लोग नीचे आ जाए, सब लोग इधर आ जाए। आज ये जो सीजर की कार्रवाई हो रही है, ये नशे के कारोबार करने के बाद बनाई गई है। आज एसपीसीटी महोदय के नेतृत्व में यहाँ पे सीएम सर की मौजूदगी में और एसडीएम सर तहसीलदार सर की मौजूदगी में सूचना। जिला मजिस्ट्रेट जनपद गोरखपुर के आदेश दिनांक 12/10/2022 द्वारा अपराध संख्या 444/17 धारा 31 UP गैंगस्टर एक्ट समाज विरोधी क्रियाकलाप निवारण अधिनियम 1986 में अभियुक्तगढ़ किशन कुमारी और पंडिताइन स्वर्गीय श्री हरिनाथ पांडे, मधु पुत्री स्वर्गीय श्री हरिनाथ पांडे और पंडिताइन की बेटियां और दामाद निवासी गढ़ खरैया पोखरा बशारतपुर थाना शाहपुर जनपद गोरखपुर द्वारा नशे का कारोबार से अर्जित अवैध धन से क्रय की गई संपत्ति संख्या 90 पंडिताइन द्वारा अपने दामाद राजीव गुप्ता और संजय गुप्ता के नाम से क्रय किया, जिस पर नशे के कारोबार से अर्जित अवैध धन से 3 मंजिला पक्का मकान भवन का निर्माण किया गया, को उत्तर प्रदेश गिरोह बंद और समाज विरोधी कुर किया जाता है। ये अभी पहली बिल्डिंग थी, नशे के कारोबार से अर्जित धन की पहली बिल्डिंग थी। पुलिस अधीक्षक नगर सर के नेतृत्व में ये कार्यक्रम चल रहा है, जहाँ पे एसडीएम सर और सीओ सर और तहसीलदार सर सभी लोग मौजूद हैं। अब इनकी एक दूसरी बिल्डिंग है जिसपे इन्होंने अवैध धन अर्जित करके उसका भी निर्माण कराया है, उस पर भी कार्रवाई होनी है। इससे ऊपर भी है? नहीं, इससे ऊपर है। पहली बार
75% ड्रग्स विहीन हुआ तो परसेंटेज भी नहीं है मतलब अभी हम पानी छोड़ के बाहर जगह पे भी काम है यहाँ तो साफ है सब साफ नहीं हो रहा है बिल्कुल सर एकदम मेरे पास करा ले सर 100% का दवा है सर छुट्टी का नहीं ये सर ऊपर बना है पीछे देख सार्वजनिक सूचना जनपद गोरखपुर जिला मजिस्ट्रेट जनपद गोरखपुर के आदेश दिनांक 12/10/2022 द्वारा अपराध संख्या 444/17 सर की करा देंगे जनपद गोरखपुर में अपराध एवं अपराधियों पर अंकुश लगाने के अनुक्रम में आज जिलाधिकारी गोरखपुर एवं SSP महोदय के द्वारा अपराधियों के खिलाफ चालू की गई मुहिम में पंडिताइन जिसे किशन कुमारी उर्फ पंडिताइन के नाम से जाना जाता है जिसने आज से 35 साल पहले इस शहर में स्मैक जैसे गोरख धंधे का शुरुआत की थी एवं उसके पूरे परिवार द्वारा जो गोरख धंधे से अर्जित की गई सारी जमीन प्रॉपर्टी सारी जायदाद को आज जिलाधिकारी महोदय के आदेश के अनुसार तीन जगह पे पहली जगह है जो मीर कॉलोनी में स्थित उसका आवास 3 मंजिला आवास और दूसरा मेडिकल कॉलेज पे मेडिकल कॉलेज के पास में मेडिकल रोड पर स्थित नीलकंठ स्वीट्स के नाम से जो दुकान चल रही है 3 मंजिला वो दुकान एवं हरिसेवकपुर में उनके परिवार के जहाँ सदस्यों को उसने जो ज़मीन दिलाई है उन तीन जगहों की 3 प्रॉपर्टी को आज कुर्क किया गया है एवं उसकी जो अनुमानित मार्केट वैल्यू है वो 13,52,50,400 है और इस तरह ये एक कुठाराघात इन जरायम की दुनिया से कमाए गए अर्जित धन संपत्ति पर आज गोरखपुर पुलिस द्वारा किया गया है एवं जितने भी शहर में जो भी व्यक्ति स्मैक और इस तरह का कार्य कर रहा है उन सभी व्यक्तियों के लिए ये एक तरीके से संघनाद है कि आप सभी लोगों की जहाँ जहाँ पे भी जरायम के पैसे से जो भी पैसा कमाया जाएगा उस सबको सरकार NDPS एक्ट एवं गैंगस्टर एक्ट इन दोनों के अंदर सीज करेगी पंडिताइन पर इस शहर में 2002 के बाद से आज तक करीबन 15 मुकदमे दर्ज हुए हैं उसमें से 2 गैंगस्टर शाहपुर एवं राजघाट में हैं आज की जो कार्रवाई है वो थाना शाहपुर द्वारा अपने यहाँ 2017 में रजिस्टर किए गए गैंगस्टर एक्ट के मुकदमे उसके तहत की जा रही है सर इनके मकानों की लागत कितनी रहेगी इसके तीनों मकानों की टोटल जो कीमत है वो गवर्नमेंट एस्टिमेट्स के हिसाब से 8,94,71,950 है इसकी मार्केट वैल्यू जो है वो 13,52,50,400 है थैंक यू जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वावधान में जनपद न्यायाधीश तेज प्रताप तिवारी के निर्देश पर 12 अक्टूबर से लेकर 15 अक्टूबर तक विशेष जेल लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है जिसके संबंध में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव देवेंद्र कुमार द्वितीय ने बताया कि विशेष जेल लोक अदालत में छोटे आपराधिक मामलों का निस्तारण किया जा रहा है 12 व 13 अक्टूबर को 2-2 मामलों का निस्तारण किया गया इसके माध्यम से गरीब तबके के लोगों को जो कि जेल में बंद है उनको न्याय दिलवाया जा रहा है इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव देवेंद्र कुमार द्वितीय ने कहा ये जो जेल लोक अदालत में जो छोटे छोटे जो मामले हैं आपराधिक मामले हैं और इन आपराधिक मामलों को जेल लोक अदालत के मामले माध्यम से निस्तारण कराकर उनको जो गरीब हैं असहाय हैं इनको न्याय दिलाने की एक प्रक्रिया है और इसी के माध्यम से उनको एक लोक अदालत के मामले माध्यम से अधिक से अधिक मामलों का निस्तारण कराने का एक अवसर है सभी लोगों के लिए
और ये जेल लोक अदालत जो है 12 अक्टूबर और 14 अक्टूबर और ये 15 अक्टूबर तक आयोजित किए जाएंगे। 4 दिन आयोजित की जाएगी जेल लोक अदालत। महिला जिला अस्पताल के अल्ट्रासाउंड सेंटर पर आए दिन हो रहे विवाद और पैसा लेकर अल्ट्रासाउंड करने की हकीकत को जानने के लिए गुरुवार को गोरखपुर न्यूज की टीम 8:10 पर जब महिला जिला अस्पताल में पहुंची तो वहां का नजारा देखने लायक था। आपको बता दें कि जिला अस्पताल में डॉक्टर, नर्स और फार्मासिस्ट की ड्यूटी प्रातः 8 बजे से अपराह्न 2 बजे तक होती है, लेकिन जब गोरखपुर की टीम महिला जिला अस्पताल के अल्ट्रासाउंड कक्ष के नंबर 22 और 23 नंबर पर पहुंची तो वहां पर ताला लटका हुआ पाया गया तथा कोई कर्मचारी और डॉक्टर उपस्थित नहीं मिले। यहां तक कि पर्ची काउंटर पर भी कोई कर्मचारी नहीं दिखाई दिया तथा मरीजों की भीड़ जमी हुई थी और लोग परेशान थे। कोई 4 बजे भोर से आया था तो कोई पूरी रात से वहीं पर अपना लाइन लगाकर बैठे हुए थे। वहां पर आए हुए मरीजों का कहना था कि प्रतिदिन ऐसे ही देखने को मिलता है और यह जिला महिला अस्पताल की घोर लापरवाही है। उन लोगों ने बताया कि अल्ट्रासाउंड के लिए हम लोगों को करीब 3 दिन से दौड़ाया जा रहा है। उनका कहना था कि अल्ट्रासाउंड वाले बोले हैं 200 रुपए दे दो तो काम तुरंत हो जाएगा और लाइन में लगे केवल 20 से 25 मरीजों का अल्ट्रासाउंड प्रतिदिन किया जाता है। मरीज के तीमारदार ने कहा कि हम लोग वर्कर आदमी हैं, इन डॉक्टरों की लापरवाही से हम सभी का नुकसान होता है और इस प्रकार से निराश होकर जाना पड़ता है तथा प्रतिदिन स्टाफ डॉक्टर मरीजों में झड़प होती रहती है। उसके बाद जब गोरखपुर न्यूज़ की टीम ने महिला जिला अस्पताल के SIC NK श्रीवास्तव से कहा कि अल्ट्रासाउंड कक्षों का निरीक्षण कर ले और कई मरीज तमाम तरह के आरोप लगा रहे हैं तो उन्होंने कहा कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, फिर वह अपने चैम्बर से निकलकर पुरुष जिला अस्पताल के SIC के चैम्बर में जाकर बैठ गए। करीब 2 घंटे इंतजार के बाद वह अपने चैम्बर में वापस आकर बताए कि महिला जिला चिकित्सालय में पहले 4 रेडियोलॉजिस्ट थे, 4 मशीनों पर काम चल रहा था, अब तत्काल में 2 डॉक्टर काम कर रहे हैं और अपनी क्षमता से ज़्यादा कर रहे हैं। करीब प्रतिदिन 25 से 30 मरीजों को टोकन दे दिया जाता है। उन्होंने कहा कि प्रतिदिन 50 से ऊपर मरीजों का अल्ट्रासाउंड किया जाता है। उन्होंने कहा कि डॉक्टर पूरा टाइम देते हैं, किसी वजह से लेट हुई है या रास्ते में फंस गए हो, लेकिन प्रतिदिन सभी लोग टाइम से आते हैं और 2 बजे के बाद भी टोकन सबका निपटा कर जाते हैं। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए जिला महिला अस्पताल में अल्ट्रासाउंड कराने आए मरीज और मरीजों के तीमारदार तथा जिला महिला अस्पताल के SIC डॉक्टर NK श्रीवास्तव ने कहा
गार्ड साहब आएंगे जो बोलेंगे पर्ची को नहीं दिया जाएगा। 20% बातें तो लेंगे अभी देखो भैया किसके पास लोग आया गाड़ी तो समझ नहीं आया दे रहे हैं कितना टाइम हो रहा है कितना टाइम हो रहा है 8:30 हो रहा है ना 8:30 टाइम है ना मैडम का आना चाहिए ना लेटर में लिख रहे हैं आपसे दो बार ही देखती हूँ मैं और इधर खाली है ये बोल रहे कि यहाँ पे मैडम देखिए इसका अंडरस्टैंड मानना नहीं यहाँ पे होगा तब माने कहाँ पे होगा यहाँ पे टिक लगेगा तब माने तो ले ही नहीं गए हाँ यहाँ पे लिखा हुआ पर इसका मान नहीं है बोल रहे यहाँ पे तू विमल चंद 8 बज गया है हाँ हम सर सुबह 7 बजे के आ गए हैं यहाँ पर पिछली बार हम आए तो 11 बजने में 5 मिनट कम था तो इन लोगों ने खून जांच के लिए बोला कि कल अब बंद हो चुका है जो कि अभी 5 मिनट बाकी था हमारे पास हाँ 10:55 पर बोले थे 24 तारीख की बात है पिछले महीने उसके बाद ये बोले कि अल्ट्रासाउंड वाले बोले कि 200 रुपया दे दो काम हो जाएगा पैसा दो तो काम हो जाता है इधर में कोई टाइम की पंक्चुअलिटी नहीं है लेकिन आप अगर टाइम से हैं उसका पैसा नहीं दे रहे हैं तो 5-10 मिनट पहले इनका हॉस्पिटल बंद हो जाता है और पर्चा वाला भी टाइम से अभी नहीं आया अल्ट्रासाउंड में ज़रा सा 20 पर्चा या 30 पर्चा होता है तो ये लोग उसी पर मन कर देते हैं बोलते इतना ही होगा और पैसा देने पर ही काम सारा होगा सुना जाता है 5 से 6 अल्ट्रासाउंड करते हैं अब ये तो मैंने नहीं जाना है कितना करते हैं लेकिन अगर मान लो 20-25 पर्चा ये लोग बटोल लेते हैं उसके बाद का अगर पैसा है पर्चा है तो ये लोग अपना अलग से 200 रुपया 300 रुपया 100 रुपया जैसा भी ये लोग बटोल लें पैसा भी लेते हैं हाँ हाँ पैसा लेने पे ही काम होता है तो बोले कि 8 बजे आइएगा तो पर्चा जमा होगा और आज आए हम 7:30 बजे तो पता चला कि फूल हो गया और यहाँ खुला ही नहीं है 22 नंबर अभी कितना टाइम हो रहा है 8 से ऊपर होता होगा 8:10 या 8:15 तो या नहीं है नहीं वहाँ निकले हैं तो बोले कि फूल हो चुका बताइए तो आदमी 8 बजे बोले तो 8 ही बजे ना आएगा पर्चा फूल हो चुका है हाँ और 8 बजे कोई आया भी नहीं और 8 बजे कोई आया भी नहीं है वहाँ 23 नंबर में मेरा नाम शुभम है पिछले 3 दिन से आ रहे हैं कल हम 7:30 बजे यहाँ पे पहुँच चुके थे और 7:30 बजे आए तो यहाँ पे लाइन काफ़ी लगी हुई थी ताकि हमारा यहाँ से 11वां नंबर था 11वें नंबर पे हम आए तो बोले कल कि इससे पहले आओ तभी होगा परसों भी यही बात बोले थे कल भी यही बात बोले थे तो कल भी हम घूम के गए और आज इतना सवेरे आए इधर का लाइन फुल हो गया है यहाँ पे बोले थे कि कुर्सी खाली आज हमारी वाइफ हैं 9वें नंबर पे बैठी हुई हैं लेकिन इधर का अभी देखिए कोई इशू है नहीं और यहाँ पे 8 बज गया है और ये भी खुला भी नहीं है और यहाँ पे ये लोग 5 मिनट अगर लेट हो जाता तो हम लोगों को घर भेज देते हैं सर यहाँ पे फ्री केवल नाम के लिए ही है हम लोग उतने दूर से आते हैं अपना किराया भाड़ा लगा के अपना टाइम वेस्ट करके हम लोग वर्कर आदमी हैं एक दिन अगर नुकसान करते हैं तो 700-800 रुपये का हम लोग का दिहाड़ी बनता है वो भी चला जाता है लेकिन 3 दिन आज हम लोग लगातार यहाँ से आके और घूम के निराश होकर जा रहे हैं यही हमारे जिला अस्पताल गोरखपुर का यही नियम हो गया है सर उधर है तो जो भी है 50 रुपया 100 रुपया 200 400 लोग ऐसे लेके लोगों का कर दे रहे हैं कोई है तो तगड़े में बोल के झगड़ा करके लेके अपना करवा के चला जा रहा है जी सर मैडम और यहाँ पे जो स्टाफ बैठते हैं उनसे होती है पुरुषोत्तम कहाँ से आए हैं खलीलाबाद से आए हैं और हमारे दुल्हन के सखी हैं और उनकी बड़ी पतोह है और लिहाजा अभी तक 4 बजे से भोर से बैठे हैं अल्ट्रासाउंड कराने आए हैं अभी तक कोई कब से नंबर लगे हैं अपना और 4 बजे भोर में आए हैं अभी तक कोई वो नहीं करवाई भैया कितना बज रहा है टाइम 9 बज रहा है अभी तक इसका टोकन देने के बावजूद भी नहीं लोग किए हैं चौथा नंबर है आपका वो दूसरा नंबर पर है अच्छा यह नंबर कैसे लगता है नंबर भोर में आए हुए हैं हाँ तो 4 बजे टोकन तो मिला नहीं होगा टोकन
जब टोकन बढ़ता है तो एक नंबर दो नंबर होता है, तो फिर जब नंबर वाइज कर रहे हैं तो उसको टोकन के वो करें ना कि आके दूसरा कोई हल जाए। मतलब आप लोग 4 बजे भोर में आए हैं तो मतलब लाइन द्वारा नंबर वाइज होता है, एक नंबर दो नंबर हाँ, एक नंबर दो नंबर जब काउंटर खुलता है 8 बजे के बाद टोकन बढ़ता है। हाँ अभी तक कोई हुआ नहीं भैया, और बेचारी अभी तक बैठी हैं इस मारे इस कारण के वजह से। कम से कम ये तो सजाव करें अधिकारी लोग, मैं गलत कहूँ तो कहिए भाई, अधिकारी इसको जिम्मेवारी लेती है ना कि मरीज अलग तरह दूसरा नंबर है, है? दूसरा नंबर है 9 बज गया अभी तक कोई वह नहीं भैया। सर महिला जिला अस्पताल में अल्ट्रासाउंड को लेकर मरीजों की तरफ से कई तरह की शिकायतें आ रही हैं, क्या मामला? देखिए महिला जिला चिकित्सालय में पहले 4 रेडियोलॉजिस्ट थे, 4 मशीनों पे काम चल रहा था, अब मात्र हमारे पास 1 रेडियोलॉजिस्ट बचा हुआ है और 1 कॉन्ट्रैक्चुअल, तो 2 लोग कर रहे हैं और अपनी क्षमता से ज़्यादा ही कर रहे हैं। स्वाभाविक है जहाँ पे 4 लोग थे तो अब 2 ही लोग बचे हैं, तो लोगों को समय भी लगता है और जो सुबह फर्स्ट कम फर्स्ट वाला हिसाब चल रहा है, करीब 25-30 मरीजों को ये लोग टोकन दे देते हैं, नंबर दे देते हैं, और 15 मरीज जो हमारे एडमिटेड हैं या कोई इमरजेंसी आ जाती है ब्लीड करते हुए आ गया या कोई और समस्या लेके आ गया तो उसको तत्काल इमरजेंसी में अर्जेंट लिया जाता है, तो ये और 40 से 45 और कई बार 50 अल्ट्रासाउंड और उससे ऊपर भी एक आदमी जब तक कि ख़त्म नहीं हो जाता है लोग करते रहते हैं। तो स्वाभाविक है ऐसे में हर व्यक्ति को नहीं अटेंड कर पाते, खास करके OPD से जो मरीज आते हैं उसमें से 30-35 का ही हो पाता है, बाकी भर्ती मरीजों का और इमरजेंसीज का एक आदमी करता है, तो योरेज हमारा 80+ में ही अल्ट्रासाउंड हो जाता है, तो शिकायतें स्वाभाविक हैं। मरीजों का ना समय से डॉक्टर नहीं आते हैं, 8 बजे जाता है, 9 बजे जाता है आने में, उनको हम लोग 4 बजे 4 बजे तक करते भी या ऐसा नहीं है पूरा टाइम देते हैं, और कभी कभी हो सकता है आज कुछ समस्या रही हो, आज करवा चौथ है, कुछ महिलाएं लेट हुई हैं तो किसी वजह से कोई अगर रास्ते में फंस गया, अदरवाइज सब टाइम से रहते हैं और 2 बजे के बाद भी जितने टोकन बढ़ जाते हैं सबका निपटा कर ही जाते हैं। जनपद में बारिश और बाढ़ के बीच डेंगू का खतरा बढ़ता ही जा रहा है, लगातार डेंगू मरीजों की संख्या बढ़ रही है। आपको बता दें कि जनपद में कुल 43 डेंगू के मरीजों की संख्या हो गई है और डेंगू के 3 मरीज भर्ती किए गए हैं, जिसके लिए जिला अस्पताल के डेंगू वार्ड में 25 बेड की व्यवस्था की गई है। जिसके संबंध में CMO डॉक्टर आशुतोष कुमार दुबे ने बताया कि लगातार बारिश होने की वजह से जगह जगह जलभराव हो गया है, जलभराव होने से वहां पर मच्छर उत्पन्न होते हैं, उनके काटने से बीमारियों में बढ़ोतरी हो रही है। उन्होंने कहा कि जिला मलेरिया अधिकारी, जिला प्रशासन, नगर निगम और गांव विकास विभाग में संयुक्त रूप से महाअभियान चलाया जा रहा है, जहां जहां पर मच्छर पाए जा रहे हैं उनको नष्ट किया जा रहा है। इसके अलावा मच्छरों को रोकने के लिए दवा का छिड़काव और फॉगिंग नियमित रूप से किया जा रहा है। डेंगू के मरीजों के उपचार के लिए 10 बेड की जगह 25 बेड कर दी गई है और दिल के मरीजों को किसी प्रकार की दिक्कत ना हो इसके लिए किट की भी व्यवस्था कर ली गई है। उन्होंने नागरिकों से अपील करते हुए कहा कि अगर किसी को तेज बुखार आता हो तो तत्काल अपने नजदीकी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और जिला अस्पताल पर जाकर डॉक्टर से अपना इलाज कराएं। जिला अस्पताल में सभी प्रकार की दवाइयां व जांच निःशुल्क उपलब्ध हैं। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए CMO डॉक्टर आशुतोष कुमार दुबे ने कहा, आई
इधर लगातार एक सप्ताह से जो बारिश हो रही थी इसकी वजह से जगह जगह जल भराव हो गया है, और जल भराव जहाँ जहाँ हुआ है वहाँ पर मच्छरों के पनपने की एक नर्सरी बन गई है। इसकी वजह से मच्छर काफ़ी तीव्र हो गए हैं और उनके काटने की वजह से जो मच्छर जनित बीमारियाँ होती हैं उनकी संख्या में बढ़ोतरी हो रही है। अगर हम डेंगू की बात करते हैं, आज की तारीख में जनपद गोरखपुर में 43 पेशेंट डेंगू के रिपोर्टेड हैं। हमारी जिला मलेरिया अधिकारी के नेतृत्व में और जिला प्रशासन, नगर निगम और ग्राम विकास विभाग के साथ मिलकर के संयुक्त रूप से एक महाअभियान चला रखा है, जहाँ जहाँ पर मच्छर पाए जा रहे हैं उनको नष्ट किया जा रहा है, और जिनके मकान मालिकों को और जिनके व्यवसायिकों को नोटिस भी दी जा रही है। इसके अलावा मच्छरों को रोकने के लिए जो हमारा सोर्स रिडक्शन जो लार्विसाइडल दवा का छिड़काव होता है वो भी नियमित रूप से किया जा रहा है। फॉगिंग भी लगातार की जा रही है। डेंगू के मरीजों के उपचार के लिए बेड बढ़ा दिए गए हैं। पहले हम लोगों ने जिला अस्पताल में 10 बेड रखे थे, 15 बेड और बढ़ा करके उसे 25 बेड कर दिए हैं। समस्त आवश्यक औषधियाँ एवं जांच के किटों की व्यवस्था कर ली गई है, और डेंगू के मरीज को किसी भी मरीज को किसी प्रकार की कोई असुविधा ना हो इसलिए स्टाफ को सबको ट्रेंड कर दिया गया है। आपके चैनल के माध्यम से मैं गोरखपुर निवासियों से अनुरोध करूँगा, किसी को अगर बुखार आता है, तेज़ बुखार या बदन में चकत्ते पड़ते हैं या कहीं से रक्त स्राव, बुखार के साथ रक्त स्राव होता है, तो तत्काल आप अपने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और जिला अस्पताल का संपर्क करें। नीम हकीम लोगों के चक्कर में ना पड़ें, यहाँ पर समुचित चिकित्सा और औषधियाँ उपलब्ध हैं, जाँच हैं, अगर किसी भी प्रकार के रक्त अवयव की ज़रूरत पड़ती है तो भी उपलब्ध है। वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक पे जाने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। 2 दिवसीय दौरे पर अपने गृह जनपद गोरखपुर पहुंचे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बड़हलगंज लाल डिग्गी पर बाढ़ पीड़ितों में राहत सामग्री का किया वितरण। गोरखनाथ मंदिर में करेंगे रात्रि विश्राम। शुक्रवार को कैंपियरगंज में बाढ़ पीड़ितों में राहत सामग्री वितरण करने के बाद वाराणसी के लिए करेंगे प्रस्थान। सीएम योगी ने हवाई सर्वेक्षण कर जिले में बाढ़ की स्थिति का लिया जायजा। बड़हलगंज और लाल डिग्गी में बाढ़ पीड़ितों से मिले सीएम योगी, राहत सामग्री का किया वितरण। कहा, अप्रत्याशित बाढ़ आपदा का युद्ध स्तर पर सामना कर रही है सरकार, आपदा की घड़ी में हर पीड़ित के साथ खड़ी है सरकार। नशे की कारोबार करने वाले किशन कुमारी उर्फ पंडितायन की लगभग 13.5 करोड़ की अवैध कारोबार से बनाई हुई संपत्ति को जिलाधिकारी के निर्देश पर तहसीलदार सदर व शाहपुर थाने की पुलिस ने किया कुर्क। एसपी सिटी ने कहा, पंडितायन के ऊपर गैंगस्टर सहित कुल 15 मुकदमे थे दर्ज, की जा रही है आगे की विधिक कार्यवाही। विशेष जेल लोक अदालत का जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वावधान में जनपद न्यायाधीश तेज प्रताप तिवारी के निर्देश पर किया जा रहा है आयोजन। 2 मामलों का किया गया निस्तारण। 14 व 15 को भी लगेगा जेल लोक अदालत। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव देवेंद्र कुमार द्वितीय ने दी जानकारी। महिला जिला अस्पताल के अल्ट्रासाउंड सेंटर पर आए दिन हो रहे विवाद और पैसा लेकर अल्ट्रासाउंड करने के आरोपों का गोरखपुर न्यूज की टीम ने किया रियलिटी चेक। सुबह 8:10 पर अल्ट्रासाउंड कक्ष के नंबर 22 और 23 पर लटका हुआ मिला ताला। यहां तक कि पर्ची काउंटर पर भी नहीं मिला कोई कर्मचारी। मरीज और मरीजों के तीमारदारों ने पैसा लेकर अल्ट्रासाउंड करने का लगाया आरोप। जिला महिला अस्पताल के SIC ने आरोपों से किया इनकार। कहा, 4 मशीनों पर केवल 2 डॉक्टर ही होने से हो रही है थोड़ी दिक्कत। पैसा लेकर अल्ट्रासाउंड करने के आरोपों की कराएंगे जांच। बारिश और बाढ़ के बीच जनपद में डेंगू का बढ़ता ही जा रहा है खतरा। जिले में डेंगू के मरीजों की संख्या हुई 43। जिला अस्पताल के डेंगू वार्ड में 25 बेड की है व्यवस्था, मात्र 3 मरीज हैं भर्ती। CMO डॉक्टर आशुतोष कुमार दुबे ने नागरिकों से की अपील। कहा, तेज बुखार होने पर तत्काल अपने नजदीकी सरकारी अस्पताल में करें संपर्क। सभी प्रकार की दवाइयां व जांच निःशुल्क है उपलब्ध। चौबीस घंटे के अंदर मोबाइल लूट करने वाले अभियुक्त गौतम कुमार को कैंट थाने की पुलिस ने किया गिरफ्तार। लूट का मोबाइल किया बरामद, भेजा जेल।
12 नवंबर को दीवानी न्यायालय परिसर में राष्ट्रीय लोक अदालत का किया जाएगा आयोजन। बैंक वसूली, विद्युतवाद, ई चालान सहित अन्य मामलों का आपसी सुलह समझौते के आधार पर किया जाएगा निस्तारण। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव देवेंद्र कुमार द्वितीय ने दी जानकारी। जनपद में बाढ़ की स्थिति को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से है अलर्ट। बनाई गई है 86 बाढ़ चौकियां। बाढ़ग्रस्त क्षेत्र के लोगों के लिए 16 मोबाइल टीमों का किया गया है गठन। सीएमओ ने कहा किसी भी रोग या संक्रामकता की स्थिति में डायल 108 या 102 पर करें संपर्क। सेवा के लिए हमेशा तत्पर है स्वास्थ्य विभाग। चोरी करने वाले गिरोह के एक सदस्य अजय राजभर को शाहपुर थाने की पुलिस ने किया गिरफ्तार। 50 ग्राम नशीला पाउडर किया बरामद, खींचा जेल। और जनपद में राप्ती नदी के जलस्तर में आई है गिरावट, जबकि सरयू नदी के जलस्तर में हुई है बढ़ोतरी। जिला आपदा विशेषज्ञ गौतम गुप्ता ने दी जानकारी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। कैंट थाने की पुलिस ने 24 घंटे के अंदर मोबाइल लूट करने वाले एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया है, जिसके संबंध में कैंट थाना प्रभारी शशिभूषण राय ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर एक अभियुक्त को दूध मंडी के पास से गिरफ्तार किया गया है, जिसकी पहचान गौतम कुमार पुत्र कमलेश डोम निवासी मोहम्मद चक थाना गुलेरिया जनपद गोरखपुर के रूप में हुई है, जिसके पास से लूट का एक मोबाइल बरामद किया गया है। कैंट थाना प्रभारी ने बताया कि अभियुक्त के ऊपर थाने में मुकदमा दर्ज था, जिसको गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम में कैंट थाना प्रभारी शशिभूषण राय, उप निरीक्षक अरविंद कुमार यादव, कांस्टेबल शिवम तिवारी, दीपक शामिल रहे। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वावधान में दीवानी न्यायालय परिसर में जनपद न्यायाधीश तेज प्रताप तिवारी की अध्यक्षता में 12 नवंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा, जिसके संबंध में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव देवेंद्र कुमार द्वितीय ने बताया कि 12 नवंबर को दीवानी न्यायालय परिसर में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। इसके साथ साथ गोरखपुर में स्थित बाह्य न्यायालय बांसगांव, ग्राम न्यायालय कैंपियरगंज, चौरी चौरा व गोला के अतिरिक्त अन्य तहसील मुख्यालयों पर भी राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। इस लोक अदालत में आपराधिक समन्वयवाद, एमबी एक्ट, चलानी, ई चलानी, ट्रैफिक चलानी, बैंक वसूली वादों, मोटर दुर्घटना, प्रतिकर याचिकाएं, पारिवारिक वादों, श्रम वादों, भूमि अधिग्रहण वादों, विद्युत एवं जल बिल विवाद, सर्विस वादों सहित अन्य मामलों को सुलह समझौते के आधार पर निस्तारण किया जाएगा। इसके अतिरिक्त प्री लिटिगेशन स्टेज पर मामलों को भी सुलह समझौते के आधार पर निस्तारण किया जाएगा। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव देवेंद्र कुमार द्वितीय ने कहा, राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन द्वितीय शनिवार दिनांक 12 नवंबर 2022 को द्वितीय शनिवार को आयोजित किया जा रहा है। इसके साथ ही साथ गोरखपुर में स्थित बाह्य न्यायालय बांसगांव, ग्राम न्यायालय कैंपियरगंज, चौरी चौरा व गोला के अतिरिक्त अन्य तहसील मुख्यालयों पर भी राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। इसके माध्यम से विशिष्ट विषय आपराधिक और जो समन्वयवाद धारा 138 प्राक्रम लिखित अधिनियम, बैंक वसूली वाद, मोटर दुर्घटना प्रतिकर याचिकाएं, पारिवारिक वादों, श्रम वादों, भूमि अधिग्रहण वादों, विद्युत व जल बिल विवाद, सर्विस वादों, किराया सुखाधिकार व्यादेश, विशिष्ट अनुतोष वाद एवं अन्य मामलों को सुलह समझौते के आधार पर नियत न्यायालय में निर्धारित किया जाएगा। इसके अतिरिक्त प्री लिटिगेशन स्तर पर मामलों को भी सुलह समझौते के आधार पर निस्तारण किया जाएगा तथा यातायात संबंधित चालानों को भी ई पेमेंट के माध्यम से भुगतान कर घर बैठे निस्तारण करा सकते हैं। इसके लिए जो है वेबसाइट vcourt.gov.in के माध्यम से आप अपने चालान का भुगतान कर निस्तारण करा सकते हैं।
जनपद में बाढ़ की स्थिति को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से अलर्ट हो गया है, जिसके संबंध में सीएमओ डॉक्टर आशुतोष कुमार दुबे ने बताया कि जनपद में 86 बाढ़ चौकियां बनाई गई हैं और 16 की संख्या में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र तथा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र बाढ़ से प्रभावित हैं, जिसके कारण 16 मोबाइल टीमों का गठन किया गया है, 55 चिकित्सकों की ड्यूटी लगाई गई है और 140 कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है। ये सभी नियमित रूप से बाढ़ग्रस्त क्षेत्र का दौरा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन एनजीआरएफ की टीम लगातार बाढ़ग्रस्त क्षेत्र का निरीक्षण कर रही है और स्वास्थ्य विभाग नागरिकों के स्वास्थ्य के प्रति पूरी तरह से सतर्क है। उन्होंने बाढ़ग्रस्त क्षेत्र के लोगों से अपील करते हुए कहा कि सभी लोग स्वच्छ जल पिए, खाने के पहले हाथ को साबुन से अच्छी तरह से धोएं, बिस्तर पर सोते समय अपने पैर को पानी से अच्छी तरह से धोएं और किसी भी रोग या संक्रामकता की स्थिति में 108 या 102 एम्बुलेंस का सहारा लें और बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हमेशा तत्पर है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए सीएमओ डॉक्टर आशुतोष कुमार दुबे ने कहा, सर बाढ़ क्षेत्रों में स्वास्थ्य विभाग कितना अलर्ट है और जो मैरून गांव है क्या क्या व्यवस्था? देखिए ऐसा है कि हमारे यहाँ 86 बाढ़ चौकियाँ बनाई गई हैं और हमारे जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र हैं वो 16 की संख्या में प्रभावित हैं और हमने जो है 16 मोबाइल टीमों का गठन किया है, 55 चिकित्सकों की ड्यूटी लगाई है और 140 कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई है। ये लोग नियमित रूप से बाढ़ग्रस्त क्षेत्र का दौरा कर रहे हैं, वहाँ पर आवश्यक औषधियों का डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं, संक्रामक रोगों से बचाव की शिक्षा दे रहे हैं, स्वच्छ जल पीने की सलाह दे रहे हैं और साथ ही साथ जो है उनको क्लोरीन टैबलेट और ब्लीचिंग पाउडर का डिस्ट्रीब्यूशन किया जा रहा है कि क्लोरीनेटेड वाटर पी। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि बाढ़ग्रस्त एरिया में संक्रामक रोग जैसे है उल्टी टट्टी पेट दर्द चर्म रोग कंजंक्टिवाइटिस और इस शिकायत होती है और ख़ास करके जो है चूँकि बिलों में पानी भर जाता है तो सांप के काटने की संभावना अत्यधिक होती है तो इसलिए एआरबी की भी व्यवस्था की गई है। बाढ़ग्रस्त क्षेत्र में चूँकि गर्भवती माताओं को प्रसव के दौरान कोई असुविधा न हो इसके लिए भी उपाय किए गए हैं। नियमित रूप से हम लोग इस पर निगरानी कर रहे हैं और क्षेत्र का भ्रमण कर रहे हैं, किसी को किसी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं होने पा रही है। इंद्र देवता का प्रकोप कल और आज गोरखपुर में थमा हुआ है लेकिन कहीं कहीं पर नदियों में पानी जो छोड़ा गया है उसकी वजह से हमारी नदियों में स्तर में बढ़ा। जिला प्रशासन और एनडीआरएफ की टीम लगातार जो है बाढ़ग्रस्त का निरीक्षण कर रही हैं, बंधों की रखवाली कर रही हैं और हम लोग जो है स्वास्थ्य के प्रति सजग सतर्क हैं, लगातार अपने अपने क्षेत्रों में सब लोग कार्यवाही कर रहे हैं। किसी भी आकस्मिकता से निपटने के लिए गोरखपुर का स्वास्थ्य विभाग और गोरखपुर का प्रशासन पूरी तरह से मुस्तैद है और निश्चित रूप से मैं गोरखपुर निवासियों को अनुरोध करना चाहूँगा कि जो हमारी एनडीआरएफ के लोग और जिला प्रशासन के द्वारा समय समय पर निर्देश जारी किए जा रहे हैं उसका सब लोग 100% पालन करें, स्वच्छ जल पिएं, खाने के पहले हाथ को साबुन से अवश्य धुलें, बिस्तर पर लेटते समय अपने पैरों को काफ़ी पानी से जो भीगे रहते हैं उनको सूखे कपड़े से सुखा लीजिए तब जाइए और किसी भी रोग या संक्रामकता की स्थिति में आप हमारी 108-102 एम्बुलेंस का सहारा लीजिए। हमारे आपके क्षेत्र में स्थापित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र निरंतर आपकी सेवा के लिए तत्पर है। सर कंट्रोल रूम बनाया गया? हाँ, हमारे यहाँ कंट्रोल रूम बनाया गया, वो भी नियमित रूप से कार्य कर रहा है। शाहपुर थाने की पुलिस ने एक अभियुक्त को नशीले पदार्थ के साथ गिरफ्तार किया है, जिसके संबंध में शाहपुर थाना प्रभारी रणधीर कुमार मिश्रा ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर एक अभियुक्त को निकट फातिमा अस्पताल मोड़ से गिरफ्तार किया गया है, जिसकी पहचान अजय राजभर पुत्र प्रदीप राजभर निवासी मोहल्ला शक्ति नगर
मांझा टोला बशारतपुर निकशू मेडिकल स्टोर थाना शाहपुर जनपद गोरखपुर के रूप में हुई है, जिसके पास से 50 ग्राम नशीला पाउडर बरामद किया गया। शाहपुर थाना प्रभारी ने बताया कि अभियुक्त के ऊपर थाने में मुकदमा पंजीकृत कर जेल भेज दिया गया है। गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम में शाहपुर थाना प्रभारी रणधीर कुमार मिश्रा, उप निरीक्षक हिमांशु कुमार यादव, कांस्टेबल आजाद अली, अजय प्रताप चौधरी शामिल रहे। जनपद में राप्ती नदी के जलस्तर में गिरावट आई है, जिसके संबंध में जिला आपदा विशेषज्ञ गौतम गुप्ता ने बताया कि जनपद में राप्ती नदी का जलस्तर घटा है। दो दिनों में राप्ती में जलस्तर ज्यादा घट जाएगा, लेकिन सरयू नदी में काफी पानी है और पीछे से पानी आ भी रहा है, जिससे अभी जलस्तर बढ़ने का आसार है। इस समय जनपद के गोला व खजनी ब्लॉक में ज्यादा पानी है। उन्होंने बताया कि मौसम विभाग के अनुसार बारिश को लेकर अभी कोई चेतावनी नहीं दी गई है, हो सकता है कुछ जगहों पर हल्का छींटा पड़ सकता है। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए जिला आपदा विशेषज्ञ गौतम गुप्ता ने कहा, देखिए वर्तमान समय में इस समय राप्ती स्टेबल हो गई है और यह संभावित है कि अगले एक दो दिनों से राप्ती में डाउनफॉल स्टार्ट हो जाए, लेकिन सरयू जी में नदी में काफ़ी ज़्यादा पानी है और अभी पीछे से पानी आ भी रहा है, तो अभी सरयू जी में थोड़ा सा ट्रेंड बढ़ता हुआ दिखाई देगा और लेकिन कुछ दिनों बाद वो भी डाउनफॉल होना स्टार्ट होगा। लेकिन अभी वर्तमान समय में गोला और खजनी वाला जो बेल्ट है, इस पर काफ़ी ज़्यादा पानी है। बारिश को लेकर के कोई चेतावनी प्राप्त नहीं है अब, या संभवतः ये हो सकता है कि कुछ जगहों पे मतलब हल्के छुल्के छींटे पड़े, लेकिन आईएमडी की तरफ से कोई ऐसी वार्निंग बारिश को लेकर के प्राप्त नहीं हुई है। गोरखपुर न्यूज में आज के लिए बस इतना ही। जाने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। दो दिवसीय दौरे पर अपने गृह जनपद गोरखपुर पहुंचे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, बड़हलगंज लाल डिग्गी पर बाढ़ पीड़ितों में राहत सामग्री का किया वितरण। गोरखनाथ मंदिर में करेंगे रात्रि विश्राम। शुक्रवार को कैंपियरगंज में बाढ़ पीड़ितों में राहत सामग्री वितरण करने के बाद वाराणसी के लिए करेंगे प्रस्थान। सीएम योगी ने हवाई सर्वेक्षण कर जिले में बाढ़ की स्थिति का लिया जायजा। बड़हलगंज और लालडिग्गी में बाढ़ पीड़ितों से मिले सीएम योगी, राहत सामग्री का किया वितरण। कहा, अप्रत्याशित बाढ़ आपदा का युद्ध स्तर पर सामना कर रही है सरकार, आपदा की घड़ी में हर पीड़ित के साथ खड़ी है सरकार। नशे की कारोबार करने वाले किशन कुमारी उर्फ पंडितायन की लगभग 13.5 करोड़ की अवैध कारोबार से बनाई हुई संपत्ति को जिलाधिकारी के निर्देश पर तहसीलदार सदर व शाहपुर थाने की पुलिस ने किया कुर्क। एसपी सिटी ने कहा, पंडितायन के ऊपर गैंगस्टर सहित कुल 15 मुकदमे थे दर्ज, की जा रही है आगे की विधिक कार्यवाही। विशेष जेल लोक अदालत का जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वावधान में जनपद न्यायाधीश तेज प्रताप तिवारी के निर्देश पर किया जा रहा है आयोजन। दो मामलों का किया गया निस्तारण, 14 व 15 को भी लगेगा जेल लोक अदालत। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव देवेंद्र कुमार द्वितीय ने दी जानकारी।
महिला जिला अस्पताल के अल्ट्रासाउंड सेंटर पर आए दिन हो रहे विवाद और पैसा लेकर अल्ट्रासाउंड करने के आरोपों का गोरखपुर न्यूज की टीम ने किया रियलिटी चेक। सुबह 8:10 पर अल्ट्रासाउंड कक्ष के नंबर 22 और 23 पर लटका हुआ मिला ताला। यहां तक कि पर्ची काउंटर पर भी नहीं मिला कोई कर्मचारी। मरीज और मरीजों के तीमारदारों ने पैसा लेकर अल्ट्रासाउंड करने का लगाया आरोप। जिला महिला अस्पताल के SIC ने आरोपों से किया इनकार। कहा, 4 मशीनों पर केवल 2 डॉक्टर ही होने से हो रही है थोड़ी दिक्कत। पैसा लेकर अल्ट्रासाउंड करने के आरोपों की कराएंगे जांच। बारिश और बाढ़ के बीच जनपद में डेंगू का बढ़ता ही जा रहा है खतरा। जिले में डेंगू के मरीजों की संख्या हुई 43। जिला अस्पताल के डेंगू वार्ड में 25 बेड की है व्यवस्था, मात्र 3 मरीज हैं भर्ती। CMO डॉक्टर आशुतोष कुमार दुबे ने नागरिकों से की अपील। कहा, तेज बुखार होने पर तत्काल अपने नजदीकी सरकारी अस्पताल में करें संपर्क। सभी प्रकार की दवाइयां व जांच निःशुल्क है उपलब्ध। चौबीस घंटे के अंदर मोबाइल लूट करने वाले अभियुक्त गौतम कुमार को कैंट थाने की पुलिस ने किया गिरफ्तार। लूट का मोबाइल किया बरामद, भेजा जेल। को दीवानी न्यायालय परिसर में राष्ट्रीय लोक अदालत का किया जाएगा आयोजन। बैंक वसूली, विद्युतवाद, ई चालान सहित अन्य मामलों का आपसी सुलह समझौते के आधार पर किया जाएगा निस्तारण। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव देवेंद्र कुमार द्वितीय ने दी जानकारी। जनपद में बाढ़ की स्थिति को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से है अलर्ट। बनाई गई है 86 बाढ़ चौकियां। बाढ़ग्रस्त क्षेत्र के लोगों के लिए 16 मोबाइल टीमों का किया गया है गठन। CMO ने कहा, किसी भी रोग या संक्रामकता की स्थिति में डायल 108 या 102 पर करें संपर्क। सेवा के लिए हमेशा तत्पर है स्वास्थ्य विभाग। चोरी करने वाले गिरोह के एक सदस्य अजय राजभर को शाहपुर थाने की पुलिस ने किया गिरफ्तार। 50 ग्राम नशीला पाउडर किया बरामद, खींचा जेल। और जनपद में राप्ती नदी के जलस्तर में आई है गिरावट, जबकि सरयू नदी के जलस्तर में हुई है बढ़ोतरी। जिला आपदा विशेषज्ञ गौतम गुप्ता ने दी जानकारी। अब मुझे दी इजाजत, नमस्कार।